कुछ एक कॉर्पोरेटर भी है मेरे ख्याल से, अशफाक सलामी भाई, मोइन खान साहब, फराज भाई, अशफाक भाई, शफीक भाई और यहाँ पे उपस्थित सब व्यापारी। मुझे खुशी है कि लोगों का अगर पुलिस के साथ साथ इस तरह से अच्छा रहा तो मुझे नहीं लगता है कोई भी शहर में किसी की भी तरह का कुछ लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम और फसला कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि पुलिस की कुछ भी आप बोले फिर भी हमारे जो नफरी है, जो संख्या है वो 4000 होगी, 5000 होगी, 10000 होगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा पुलिस का आधा काम आप ही। शहर के लिए सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि हमारे शहर के वास्ते में हमको 15 साल के बाद में एक पुलिस आयुक्त साहब जो हमको पवार साहब मिले, बहुत बड़े धन्यवाद देता हूँ। इसकी वजह यह सर कि मैंने भी बहुत दो तीन हमारे आयुक्त साहब से भी हमारे आदाब होते था, हम छोटे इंसान है, लेकिन आपके कार्यकाल में सर शहर के अंदर
बहुत शांति का माहौल रहा। ऐसे ऐसे और एएसआई भी यहाँ पर अरविंद कुमार साथ भी यहाँ मौजूद है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आज का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस चौकी को चालू कराने के लिए जेके जींस के ऑनर जनाब मोइन भाई और हमारे यूथ जेके कंस्ट्रक्शन के मालिक ऑनर मतलब अब्दुल फराज साहब और हमारे साथी शाहब का इस्तेमाल सलीम शरीफ साहब की जानिब से किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे चाहते और दबंग पुलिस अफसर बने जा रहा है। मैं अब्दुल फराज से कहूँगा कि वो नितिन बगाटे साहब का भी इस्तकबाल करें। इसके बाद हमारे बीच एसीपी संपत साहब संपत शिंदे साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे दरमियान में पीआई सुनील माने सर है, उनका भी इस्तेमाल मैं एमएम शेख मुबीन भाई करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर इस डाइस पर मौजूद है अशफाक मीर सलामी, इनसे गुजारिश है कि अशफाक भाई हमारे पीआई साहब का इस्तेमाल करें। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। पीएसआई अरविंद कुमारे इनका इस्तेमाल हमारे शफीक भाई मरूम सलीम पुलिस साहब के प्रधान भाई सलीम पुलिस भी यहाँ पर कमिश्नर साहब का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे दरमियान में पीआई सुनील माने सर है, उनका भी इस्तेमाल मैं एमएम शेख मुबीन भाई करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर इस डाइस पर मौजूद है अशफाक मीर सलामी, इनसे गुजारिश है कि अशफाक भाई हमारे पीआई साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। पीएसआई अरविंद कुमारे इनका इस्तकबाल हमारे शफीक भाई के पुलिस कमिश्नर साहब, उसी तरह डीसीपी साहब, एसीपी साहब और हमारे बैठक गेट के सभी के लाड़के पीआई माने साहब और हमारे जिन्होंने ये पुलिस चौकी बनाने के अंदर उसकी उसका मेंटेनेंस करने के लिए मेहनत की है, वो एसएस टेली कम्युनिकेशन के हमारे शेख सलीम भाई, उनके पूरे साथी, दूसरे हमारे पैठन गेट के पूरे व्यापारी दोस्तों। दरअसल मैं पैठन गेट से दो बार जो है तो काउंसलर रहा। मैं बताना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, जब 1986 के अंदर हमारे शहर का वातावरण खराब हुआ था उस वक्त यहाँ पर ये पुलिस चौकी का डिमांड हम लोगों ने करे थे और जब से यहाँ पे पुलिस चौकी थी होता ये था कि भाई यहाँ पे जो धंधा बिजनेस करने वाले व्यापारी तो आपस में नहीं लड़ते, लेकिन दो तरफ के दो ग्रुप वाले आकर के यहाँ पर कोई धंधा फिसाद करने की कोशिश करते थे। हम यहाँ पर पैठन गेट में शांतता रखने के लिए हमने पुलिस कमिश्नर से, डीआईजी से, ये लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करी कि भाई यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो, और दूसरा है उन दिनों में हमारे पूरे पैठन गेट के ऊपर जो रतन खत्री का जो मटका आता है तो उसका भी जो तो धंधा चलता था, तो 12-12 एक एक बजे तक लोग यहाँ पर बैठे रहते थे और वो आपस में झगड़े करते थे। इसलिए बहुत जरूरी हो गया था यहाँ पर पुलिस चौकी बनना। अब दूसरे आज फिर जो है तो फिर से जो है तो ये पुलिस चौकी शुरू होने जा रही है, आपने उसका उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको
बटन प्लेयर्स मिलेंगे, दूसरा कुछ ना कुछ नशा करने वाले मिलेंगे, गैर जरूरी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ने वाले यहाँ पर मिलेंगे। अगर ये चौकियां यहाँ पर आ जाती है, ये शुरू हो जा रही है, तो इससे बहुत बड़ा कंट्रोल हमारा यहाँ पर होने वाला है। दूसरा, थोड़ा कमिश्नर साहब बोलेंगे कि इनको मौका दिया तो जरा ज्यादा बोल रहे, लेकिन सर जो हकीकत है वो आपके कान पे जाना चाहिए। जिस तरीके डॉक्टर के पास जाते हम अपनी बीमारी के सही तफसील नहीं बोले तो सही इलाज नहीं होता, वैसे पुलिस के पास भी गए बाद अगर सही हकीकत पुलिस को मालूम नहीं रही तो जो है तो वो काम नहीं होता। हमारे पास अभी ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, ये नो एंट्री है, उधर से भी जो है तो हमारे टू व्हीलर्स वाले आ जाते हैं, इधर से जो है तो ये पार्किंग के पास उधर से भी दोनों तरफ से ट्रैफिक आती जाती है। तो जिस तरीके से हमने पुलिस चौकी की रिपेयरिंग के लिए पूरा बंदोबस्त किया, आप हुक्म कीजिए नो एंट्री और एंट्री के बोर्ड लगाने का, और उसका हमारे को एक मॉडल बना के दीजिए, हम जो है तो अलग अलग जगह जो है तो ये बोर्ड लगाने का भी काम करेंगे। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पुलिस को जो भी हो सके हम यहाँ से मदद करें, क्योंकि पुलिस ही हमारा तहफ्फुज़ करने वाली है, वही हमारी हिफाजत करने वाली है, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम करने वालों से वही जो तो हमारे को रोकने वाली है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद ज्यादा है, आप यहाँ पर आए बड़ी खुशी हुई, खासतौर से एक पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए कमिश्नर साहब आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ एक माजी नगर सेवक होने के नाते, और हमारे पूरे पुराने नए जो भी शहरियान है उनके पठन गेट के रहवासी है, इनकी तरफ से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहकारी साथी DCP नितिन बघाटे, ACP शिंदे, PI माने, इस चौकी के इंचार्ज हेड कांस्टेबल जाधव, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, यहाँ के सभी मान्यवर उपस्थित, श्री सलीम शेख, उनके दोस्त, उनके जो यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, यहाँ के कुछ एक्स कॉर्पोरेटर भी है मेरे ख्याल से, अशफाक सलामी भाई, मोइन खान साहब, फराज भाई, अशफाक भाई, शफीक भाई, और यहाँ पे उपस्थित सब व्यापारी। मुझे खुशी है कि लोगों का अगर पुलिस के साथ साथ इस तरह से अच्छा रहा तो मुझे नहीं लगता है कोई भी शहर में किसी की भी तरह का कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और फसला कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस की कुछ भी आप बोले फिर भी हमारे जो नफरी है, जो संख्या है वो 4,000 होगी, 5,000 होगी, 10,000 होगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा पुलिस का आधा काम आप ही पूरा निपट लेते हो, और हमें उस जगह पे जाने की और कुछ जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे साथी अगर हमारे साथ है सोसाइटी में से, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो लॉ ऑर्डर, शांति, क्राइम, ट्रैफिक, जो भी मसले हैं वो हम सब लोग आपस में बैठ के अच्छी तरह से निपट सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक साथ आके पुलिस पे हमारे जो ऑफिसर्स है, हमारे PI, हमारे हेड कॉन्स्टेबल, इनके ऊपर जो विश्वास दिखाया, और ये इतना पुरानी अपने आप ये गेट है, लेकिन फिर भी आज ऐसा नहीं लगता उसके तरफ देखते हुए कि ये 300, 400, 500 साल पुराना होगा, इतना अच्छा उसका कंडीशन है, उसमें ये अपना अच्छा एक पुलिस चौकी बनी है। मुझे लगता है ये पुलिस चौकी में हमारे लोग बैठ के यहाँ का जो लोगों के साथ जो पब्लिक रिलेशन है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 साल के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे आ रही है वापस, तो मुझे खुशी है कि यहाँ पे एक पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए हमारे लोग अच्छा काम करेंगे, लोगों के आने के लिए और बैठने के लिए एक अच्छी सही जगह मिलेगी, और इस चौकी का उपयोग अच्छा काम करने के लिए और पुलिस रिलेशन करने के लिए हमारे लोग करेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। और जिन्होंने भी इस पुलिस चौकी बनाने के लिए और रिनोवेशन के लिए जो भी सहकार्य दिया है वो सभी यहाँ के लोकल जो टीम हैं, अशफाक भाई है, बाकी जो भी है यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे यहाँ पे लोगों ने कंट्रीब्यूट दिया है, सलीम शेख और उनके जो टीम है, मैं उनका हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी जगह और इतना अच्छा प्रोग्राम रहा और हम सब लोगों का यहाँ पर सत्कार किया। मैं वापस उन लोगों का अभिनंदन करता हूँ और आपका रजा लेता हूँ, धन्यवाद। मतलब 15 साल ही नहीं, मैं मतलब काफ़ी साल बाद मतलब
20-22 साल से यहाँ पे कोई चौकी नहीं है, पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, और ये मार्केट एरिया है, मेन एरिया, तो सारे हमारे यहाँ के भाइयों ने, सलीम भाई और उनके सारे व्यापारी भाइयों ने मिलके ये पुलिस चौकी वापस रिवाइव करने के लिए हमारे पिया है यहाँ क्रांति चौक के माने साहब और जादव साहब हेड कॉन्स्टेबल और हमारे ACP साहब शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत, ये पुराना हमारा पैटर्न गेट है, यहाँ पे एक चौकी शुरू की गई है। वो चौकी डेफिनेटली यहाँ पे कायदा और सुव्यवस्था आबादित रखने के लिए काम में आएगी, और यहाँ पे जो मार्केट एरिया है तो हमारे लोग यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे आपका सब लोगों का सहकार्य रहेगा तो हम यहाँ पे अमन और शांति बरकरार रखेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।